नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने जीके कैप्सूल बाय अशोक शर्मा। साथियों, आज जो हमारा बिंदु है वो है आपके राजस्थान में जो प्रमुख पंच पीर हैं उनकी प्रमुख जन्म स्थली कौन सी है और उनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर केवल पंच पीर के उनकी जन्म स्थली या फिर उनका मुख्य मंदिर पूछ लेता है। आइए चर्चा करते हैं अपने राजस्थान के जो पंच पीर। अब सबसे पहली बात तो यह है कि पंच पीर है कौन, तो उनसे संबंधित वो कहावत तो आप सभी जानते होंगे कि बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया महा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहां, यानी कि जो पांच पीर हैं उनमें आपके बाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, हड़बू जी हैं और कौन है, मांगलिया महाजी। पहले तो ये देख लीजिए कि इनकी जन्म स्थली कौन कौन सी है। बाबूजी जो राठौड़ हैं, इनकी जो जन्म स्थली रही है वो है आपके, याद रखिएगा, कोड़ूमंड। कोड़ूमंड कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। और इनका जन्म कब हो रखा है, याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी में। और बाबूजी राठौड़ का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, जहां पर इनका जन्म हुआ वहीं पर इनका मुख्य मंदिर है, कोड़ूमंड जोधपुर। तीन चीजें हो गई, बाबूजी राठौड़ का जन्म 13वीं शताब्दी में, जन्म स्थली कोड़ूमंड जोधपुर, और मुख्य स्थान यानी कि मुख्य मंदिर भी कहां पर है, कोड़ूमंड जोधपुर में। दूसरे हैं अपने रामदेव जी तंवर। रामदेव जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ। इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके उड़ू काश्मीर, और स्थान कहां पर है, बाड़मेर के अंदर। और इनका मुख्य मंदिर कहां पर है, रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर। क्लियर, जन्म, जन्म स्थली और मुख्य मंदिर। अगली बात, गुगा जी चौहान का जन्म। गुगा जी चौहान का जन्म हुआ था साथियों 1003 विक्रम संवत में, और इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके ददरे व चूरू के अंदर। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो है आपके गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहाँ पर है, याद रखिएगा, नोहर हनुमानगढ़ में, जिसे कहा जाता है धुर मेड़ी। हाँ, इनका शीश गिरा था वो स्थान कहलाया था शीश मेड़ी, वो है ददरे व चूरू में। क्लियर, तो गोगा जी चौहान का जन्म, जन्म स्थली और मुख्य प्रमुख मंदिर हो गया, ठीक है। हड़बू जी सांकला का जन्म, याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी में है। इनकी जो जन्म स्थली है वो है बुंडेल गांव नागौर में, लेकिन प्रमुख जो मंदिर है वो है बेंगटी जोधपुर। जन्म स्थली और प्रमुख मंदिर। फिर है आपके अगले मांगलिया महाजी, जिनका जन्म है 13वीं शताब्दी में। इनकी जन्म स्थली है बापणी गांव, और प्रमुख मंदिर है आपके बापणी जोधपुर के अंदर। ये सारी सारी जो बातें हैं वो पांच पीरों के बारे में है जिन्हें पंच पीर कहा गया है। पंच पीर का तात्पर्य है वह लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों आराधना करते हैं, दोनों ही पूजा किया करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, पंच पीर। तो साथियों, इन पंच पीरों के बारे में आपने जानकारी ली 15 क्वेश्चनों की। एक तो कौन से लोक देवता यानी पंच पीर का जन्म कब हुआ, उनकी जन्म स्थली कौन सी है, और उनका मुख्य यानी कि प्रमुख मंदिर कौन सा है। फिर किसी इसी प्रकार के एक नए सेशन में और मिलेंगे, जहां पर अगले ही सेशन में हम पंचपीर से संबंधित उनके घोड़े और घोड़ियों के नाम और साथ में उनके उपनाम को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतनी जानकारी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, हमारा ये प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। चलिए फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।